Assalamualaikum. How are you all? I hope so you all are fine. Today is our working day of English grammar notebook. Take out English grammar notebook. First of all, you will write date here. आज हम ऐसे की working करेंगे. Topic है my country, हमारा मुल्क. अपने मुल्क के बारे में हमने कुछ lines लिखनी है. वैसे तो अगर हम अपने मुल्क के बारे में लिखने बैठे हैं तो इस तरह से बहुत सारी information है आपके पास, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आपके पास 5 points कि ऐसे आप राइट करेंगे. माई कंट्री, मेरा मुल्क. माई कंट्री नेम इज पाकिस्तान. माई एम वाई माई सी ओ यू एन टी आर वाई कंट्री. एन ए एम ई नेम आई एस एस पी ए पा के आई एस किस टी ए एन तान पाकिस्तान. माई कंट्री नेम इज पाकिस्तान. मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है. T S E R E there, A R E R, M A N Y many, B E A U T I F U L beautiful, P L A C E S places. There are many beautiful places. यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं. मरीना, आरान, कागान, सवात, एप्टबाद. अगर आप घूमने के लिए कभी जाएं तो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी खूबसूरत प्लेसेस बनाई हैं. पॉइंट नंबर 3 है आपके पास इट्स. आई टी एपोस्ट्रॉफी एस इट्स. फ्लैग कलर इज, इट्स फ्लैग कलर इज ग्रीन एंड वाइट. पाकिस्तान की झंडी का कलर है ग्रीन एंड वाइट. इट हैज 4 प्रोविंसेस. पाकिस्तान के 4 सूबे हैं. I love my country. मैं अपने पाकिस्तान से, अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ. अगेन देख लें आप. I T apostrophe S it's F L A G flag झंडा. C O L O U R color रंग. I S is G R E N green. A N D and W H I T E white. Its color, its flag color is green and white. I T 8 H A S has F O U R 4 P R O V I N C E S provinces सूबे को कहते हैं. It has 4 provinces. I love my country. मैं अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ. आपको मैंने ये 5 लाइन के ऐसे करवाए हैं. आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्किंग करनी है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.